ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री बजरंगबली। मित्रों, कितनी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि अभी रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म उत्सव अपन ने मनाया था। और दोस्तों, 6 अप्रैल 2023 के दिन भगवान श्री राम जी के अनन्य और प्रिय भक्त प्रभु श्री बजरंगबली का जन्मदिन आ रहा है। हिंदू पुराणों के मुताबिक चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल यानी कि गुरुवार के दिन मनाई जा रही है। हनुमान जयंती के दिन भक्त विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं और इसे मान्यता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की विधिवत पूजा करता है ना, उनको शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है और जीवन में अपार धन संपदा का लाभ होता है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में अपन जानते हैं कि 6 अप्रैल जिस दिन हनुमान जयंती है ना, उस दिन हनुमान जी की पूजा करने की विधि क्या है। और साथ ही मित्रों, 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर प्रभु श्री बजरंग बली की विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहने वाली है। इस साल उनका भाग्य उदय होने जा रहा है, तो पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। और साथ ही मित्रों, 6 अप्रैल के दिन ग्रहों के गोचर में एक जबरदस्त बदलाव भी होने जा रहा है। और जिनकी राशि में शनि की 7.5 चल रही है ना, उनके लिए दोस्तों ये जो 6 अप्रैल का दिन है ना, वो बहुत ही खास रहने वाला है। अगर आप विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करोगे ना, तो आपको 7.5 का जो नकारात्मक प्रभाव है, जो गलत प्रभाव है ना, वो दूर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन कौन सी राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, अगर आपकी भी राशि में शनि के 7.5 चल रही है ना, तो बड़े ध्यान के साथ वीडियो जरूर देख लेना चाहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। दोस्तों, इस साल हनुमान जयंती जो है ना, वो 6 अप्रैल 2023 के दिन मनाई जा रही है। भगवान श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ था। भगवान राम के परम भक्त माने जाने वाले श्री हनुमान जी एक वानर थे, जिन्होंने भगवान राम की सेवा और भक्ति में अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर हनुमान जी की पूजा पाठ और हनुमान चालीसा का जाप करने से भगवान बजरंगबली अपने भक्तों पर विशेष रूप से कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि साल 2023 में हनुमान जयंती पर पूजा का मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, 6 अप्रैल 2023 के दिन सुबह 6:06 से लेकर सुबह 7:40 जो है ना, ये सुबह सुबह का उत्तम मुहूर्त है। उसके अलावा अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर को 12:02 से लेकर 12:53 तक है। और वहीं स्पेशली प्रॉफिट के लिए यानी कि आर्थिक उन्नति के लिए जो शुभ मुहूर्त बताया गया है ना, वो है 12:24 से लेकर 1:58 तक। चलिए अब जानते हैं हनुमान जयंती पर भगवान श्री हनुमान जी की पूजा की विधि क्या है, किस तरह से अपने को बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए ताकि उनकी जो कृपा है ना, वो अपने को मिले। और साथ ही मित्रों, अपने जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है ना, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। दोस्तों, पूजा विधि जानते हैं हनुमान जी की। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए आधी रोटी वगैरह कुछ दे देता है, तो कई लोग इनको मारकर धुतकार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथिन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे, वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, पौष्टिक आहार दिला सकता है, और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगी। चलिए मित्रों, जानते हैं हनुमान जी की पूजा करने की विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, 6 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती है, तो मित्रों 6 अप्रैल के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाना है सुबह, और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान से कंप्लीट हो जाना है। और दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में अगर भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, तो उसका और भी ज्यादा फल मिलता है। तो आपको भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह नहाकर हनुमान जी की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित करें और विधिवत
भव्य तरीके से उनकी पूजा करें। हनुमान जी की मूर्ति का स्नान करवाएं, सिंदूर गुलाल और चंदन के साथ ही उनको अबीर और चावल चढ़ाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और नारियल भी चढ़ाएं। अब हनुमान जी की मूर्ति के हृदय वाले स्थान पर चंदन से जय श्री राम लिखें और अब अपने पास बैठकर हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का पाठ करें और इसके बाद हनुमान जी को तिलक लगाकर उनकी आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांटें। अगर आपके पास मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो आप तस्वीर से भी दोस्तों भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और आप चाहे तो दोस्तों हनुमान जयंती के दिन उपवास या व्रत वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति बजरंग बली की पूजा अर्चना करते हैं ना, उनको कम से कम हनुमान जयंती के दिन यानी कि 6 अप्रैल के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पति पत्नी कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, एक दूसरे के निकट करीब नहीं जाए। ब्रह्मचर्य का विधिवत अगर आप पालन करोगे ना तो दोस्तों प्रभु श्री बजरंग बली की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी और हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके पूरे परिवार की उन्नति होगी, संकट मिटेंगे और जो भी दोष वगैरह है ना वो दूर होंगे। और साथ ही जिस राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है ना, उनको दोस्तों हनुमान जयंती पर भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करने का विशेष रूप से फल मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि 6 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के बाद कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, भगवान श्री बजरंग बली का विशेष रूप से उनको आशीर्वाद मिलने वाला है। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों आपकी कुंडली में आपकी राशि में अगर शनि की 7.5 चल रही है ना, तो हनुमान जयंती के दिन आपको दोस्तों हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं और साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर आप ये उपाय करेंगे तो हनुमान जी आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे और आपके जो शनि दोष है ना वो बहुत ही कम यानी कि न के बराबर रह जाएंगे। तो जिनकी कुंडली में 7.5 चल रही है उनको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं कि आखिर हनुमान जयंती के बाद कौन कौन सी राशियों की जो किस्मत है वो एकदम से चमकने जा रही है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता जबकि पूरी उम्र मेहनत भी अच्छी तरीके से करते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली बनवाकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं हनुमान जयंती के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना वो है मित्रों मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि के लोगों को हनुमान जयंती के बाद आप अपना आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। इस साल आप तरक्की और इनकम में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बन रही है। उच्च शिक्षा और सोच यानी कि रिसर्च के कार्यों के लिए आपका बाहर जाना भी हो सकता है। आपके घर में खुशहाली आएगी, व्यापार में तरक्की होगी और मित्रों भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो धीरे धीरे आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि आती है ना वो है मित्रों वृषभ राशि। तो हनुमान जयंती के बाद वृषभ राशि वालों को नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको एक सलाह दी जाती है कि आपको इस साल क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध पाप का भी मूल बताया गया है, कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करें और ना ही झूठे और अपशब्दों का इस्तेमाल करें। बाकी इस साल बजरंग बली की कृपा से मित्रों आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, व्यापार धन दौलत तरक्की सभी चीज आप हासिल कर पाओगे। चलिए अगली भाग्यशाली राशि रहेगी सिंह राशि। मित्रों सिंह राशि वालों को 6 अप्रैल के बाद अपने वरिष्ठ जनों की मदद से अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको लाभ हो सकता है। सिंह राशि के लोगों को तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे और इस दौरान नई गाड़ी और मकान भी आप ले सकते हैं। किसी परीक्षा या इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए समय जो है बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो आती है मीन राशि। दोस्तों भगवान सूर्य देव का गोचर मीन राशि के लोगों को पद पैसा सम्मान तीनों चीज दिला सकता है। इस दौरान आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी जिससे आपको
करियर में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। किसी धार्मिक कार्य में आप हिस्सा ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह जो समय है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली बना रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों